दबंगई के बल पर काटे गए गरीब किसान के प्रतिबंधित पेड़, शिकायत करने गए गरीब को घर में घुसकर बेरहमी से पीटने का आरोप। आपको बता दें, मामला यूपी के सीतापुर थाना इमलिया सुल्तानपुर के बेनीपुर गांव का है, जहां पर दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। पीड़ित की माने तो नीम, शीशम सहित चार प्रतिबंधित पेड़ दबंगई के बल पर काट लिए गए हैं। पीड़ित ने गांव के ही चार लोगों पर प्रतिबंधित पेड़ काटने का आरोप लगाया है। शिकायत करने गए पीड़ित को घर में घुसकर बेरहमी से पीटा है। वह बचाने आए परिजनों को भी पीटने का आरोप लगाया, जिसकी तहरीर थाने में पीड़ित द्वारा दी गई, परंतु एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी केस दर्ज नहीं किया गया। उल्टा दबंगों द्वारा पीड़ित से तहरीर वापस लेने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। वहीं तहरीर वापस न लेने पर पीड़ित को जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है, जिससे आहत पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर। हालांकि अब देखना यह है कि मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है या नहीं। किसने काटा है? पप्पू हो रहे, मैंने काटा है। जब हमसे बोले तो हमारे घर आके मारा थी। पेड़ किसके थे और कहाँ लगे थे? पेड़ हमारे थे, हमारे खेत में लगे हुए थे। अच्छा, कितने पेड़ थे? चार पेड़ और सारे हैं, चार पेड़ काटा है। काहे के? दो नीम के काटा है, एक शीशम, एक बबूल का काटा है। अच्छा, तो आपने जब कहा तब क्या हुआ? जब हमने कहा तो हमारे घर घुस के हमको मारा पीटा। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।